हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर टू के इम्पॉर्टेंट नोट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स की वीडियो प्रोवाइड करी है, जो कि क्लास नाइन्थ में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत ऐसा लगता है कि क्लास नाइन बहुत टफ है और इसमें से हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं, तो क्यों ना सिर्फ उन टॉपिक पर फोकस किया जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ से आप उन्हीं नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। बस एक बार तो 50% तो लगभग आपको सुन के याद हो जाएगा, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा, और फिर उसे लर्न कर लीजिए तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपके चैप्टर का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं वो क्या प्योर होते हैं या नहीं होते, इसको लेकर पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका इसमें टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज आर सिंपली मिक्स टुगेदर। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है किसी भी प्रोपोर्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिक्सचर आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपका एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उनकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखती सेपरेशन के, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल में बात करूं कि आप वाटर में क्या मिला रहे हो, सॉल्ट मिला रहे हो या फिर शुगर मिला रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या होगा? जब मिलाने के बाद आपको शुगर और सॉल्ट दिखेगा ही नहीं, तो वो आपका जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज। इसमें क्या होते हैं, अगर दो चीज़ों को मिक्स करोगे तो आपको दोनों चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अगर वाटर में सैंड मिलाओगे तो दोनों के जो आपके दोनों को ही बाउंड्रीज दिखेगी, मतलब दोनों का मिक्सचर आपको दिखता है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिक्सचर करते हैं, बट किसमें? होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। अब हम देखो, आपके एग्ज़ाम में आजकल ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है कि आप ट्रू सॉल्यूशन या फिर कोलाइडर में डिफरेंस पूछ लिया, या फिर कोलाइडर या फिर सस्पेंशन में पूछ लिया, या फिर ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस पूछ लिया। तो इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ ही कवर किया है कि आप तीनों को पढ़ लीजिए और आपको जो भी दो के बारे में पूछा जाता है उसको आप ईजिली एक्सप्लेन कर दोगे। तो अगर हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन का मिक्सचर कैसा होता है? हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब मिक्स होने के बाद दोनों पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखते। जबकि आपका कोलाइडर जो होता है वो आपका होमोजीनियस दिखता है, बट एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें मिल्क में आप वाटर मिलाओगे तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मिल्क है, लेकिन वो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जब उसमें हम टिंडल इफेक्ट को पास आउट कराते हैं। नेक्स्ट सस्पेंशन होता है आपका प्योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आई। सोल्यूट पार्टिकल्स आपके कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सॉल्वेंट, दूसरा होता है सोल्यूट। तो जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप शुगर को मिक्स कर रहे हो तो आपका शुगर जो होगा वो सोल्यूट पार्टिकल्स होगा, और उस चीज़ को अगर मिक्स होने के बाद आप अपनी आंखों से नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते। जबकि कोलाइडर में भी आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसमें आपको पता है टिंडल इफेक्ट वगैरह पास करना पड़ेगा, तब आपको उनके पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट दिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेक्ड आई। सस्पेंशन के केस में आप नेक्ड आई से देख सकते हो, क्योंकि आपका सबसे पहले आप एग्जाम्पल के बारे में सोचिए कि आपका ट्रू सॉल्यूशन शुगर इन वाटर, और आपका कोलाइडर आप ये समझ लीजिए मिल्क इन वाटर, जबकि सस्पेंशन को आप ये समझ लीजिए कि सैंड इन वाटर। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर पढ़ोगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आपका ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो दैट कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसी तरीके से कोलाइडल के भी नहीं कर सकते, जबकि सस्पेंशन में जो उनके पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से। आपका ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता है, इसमें शो हो सकता होता है आपका, डेफिनेटली होता है कोलाइडल में, लेकिन आपका सस्पेंशन में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर तो हो गया, लेकिन मिक्सचर के बाद अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? तो इसके लिए आपको आपकी बुक में पूरे 8 मेथड है, उन 8 मेथड्स के बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, साथ साथ में उसके एप्लीकेशन के हम
उसका एग्जांपल किस तरीके से उस मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आप एवापोरेशन के बारे में बात करते हैं। एवापोरेशन आपको वहीं पे यूज़ होगा जहाँ पर आपके दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो, जबकि एक जो हो उसकी वो एवापोरेट हो जाए। क्यों? ताकि उसकी लेस बॉइलिंग पॉइंट हो जबकि दूसरे की हायर बॉइलिंग पॉइंट हो। तो इस केस में एवापोरेशन को यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अगर मिक्सचर हो जाता है डाई और वाटर की, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपका वैसे तो सेपरेशन में सभी इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन ए बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट। इसमें मतलब सेपरेशन हम इस तरीके से करते हैं कि किसी अगर दो चीज़ का मिक्सचर है उसको हम बहुत ही फास्टली तरीके से उसे रोटेट करवाते हैं। तो जो भी आपका डेंसर पार्टिकल्स होता है वो पोस्ट एट द बॉटम एंड लाइटर पार्ट, जो भी आपका भारी पार्टिकल्स होगा वो जमीन पे बैठ जाएगा, जबकि जो आपका हल्का पार्टिकल्स होगा वो ऊपर आ जाएगा। इसका एग्जांपल है आपका सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो क्रीम निकालने की जो मेथड्स है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन को हम यूज़ करते हैं। आर थर्ड मेथड इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का बेसिक प्रिंसिपल है जब आपके दो ऐसे लिक्विड्स हों जो कि एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक सेपरेटिंग फनल से। और इसको हम सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर हमें वाटर को ऑयल से मिक्स हमें अलग करना होता है तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन विल सब्लाइम। सब्लाइम मतलब कि दो कंपोनेंट में से अगर एक के अंदर सब्लाइम की प्रॉपर्टी है तो उसको हम सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं सब्लिमेशन का, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि सब्लिमेशन एक ऐसी मतलब सब्लाइम वही चीज़ें करती है जो क्या करता है डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाता है गैस फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड में से जो गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन। अब इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सपोज करो कि आपका सॉल्ट और कैम्फर दोनों के दोनों मिक्स हो गए तो इसको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैम्फर की तो कैम्फर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जबकि सॉल्ट आपका सेपरेट रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको सब्लिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एडसॉर्बेंट ऑन विद दे आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट रेट्स। आपके कलर कंपोनेंट के जो भी मिक्सचर होता है उसको सेपरेट किया जाता है एक एडसॉर्बेंट से। एडसॉर्बेंट मतलब सूखने वाली चीज, जबकि दोनों का जो एडसॉर्बेंट जो रेट होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल आप याद रख लीजिए कि जो आपके कलर्स और डाई होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए और ब्लड में से जो ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड का बेसिक प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो क्या होते हैं दोनों मिक्स हो जाते हैं, जैसे हमने इमिसिबल करा था आपका ऑयल वाला और जो आपका वाटर, तो वो तो इमिसिबल था मतलब मिक्स नहीं होते थे, बट जब आपका मिसिबल लिक्विड्स होगा लेकिन उनके क्या होंगे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे फॉलोड बाई कंडेंसेशन। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं अगर हमें एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो हम यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि इफ देयर आर टू मोर देन टू कंपोनेंट्स मिक्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर दो इसी तरीके के कंपोनेंट हो गए जो आपके क्या होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, तब हम वहाँ पे यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। दिस प्रोसेस इज डन फॉर एयर। आपको पता है कि एयर में आपके हाइड्रोजन नाइट्रोजन सारे के सारे गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको सेपरेट करने के लिए आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हो जाता होता है। उसके अलावा पेट्रोलियम से सारी चीज़ें निकलती हैं आपका सीएनजी हो गया किरोसिन हो गया सब कुछ आपको उसे, तो यहाँ पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट मेथड है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर में जो इम्प्योरिटीज होती है उसे रिमूव करना होता है बाई फोर्स डिजॉल्विंग। सबसे पहले इसे क्या करा जाता है किसी उसका सुटेबल सॉल्वेंट में उसे पहले डिजॉल्व किया जाता है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, जिससे क्या होती है चीज़ें पूरी प्योरीफाइड हो जाती है। इसका जो एग्जांपल है इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं टू प्योरीफाई द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से आपको पता है सॉल्ट मिलता है लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको साफ मतलब अच्छी तरीके से प्योर बनाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे यूज़ होता है।
उसके अलावा टू सेपरेट क्रिस्टल्स ऑफ एलम और कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स. जितने भी आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आते हैं नेचुरल, तो उसमें वो बहुत इम्प्योरिटी होती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन को वहाँ पर यूज़ किया जाता है. अब नेक्स्ट आपके इस चैप्टर में कुछ आपके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें आपने कुछ ऐसा रिएक्शन करवा के आप उसमें क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली रिवर्सिबल हो सकता है. यहाँ पर एक बात को आप देखिए, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है. यहाँ पर बेसिकली आपका ये फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका केमिकल चेंज, जबकि यहाँ पर होगा आपका फिजिकल चेंज. इन दोनों में आपका उल्टा टाइप हो गया है. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपका जो केमिकल चेंज होता है उसको हम इजिली रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि आपका फिजिकल चेंज होता है उसको आप इजिली रिवर्स करते हो. सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे आपका सपोज करो आपने एक आइसक्रीम खरीदा, वो आपकी मतलब दुकान से खरीदा, वो पिघल गया, तो उसे आप दोबारा से क्या कर सकते हो, आप उसे फ्रिज में डाल के दोबारा से ठीक कर सकते हो, या फिर आप पानी उसको दोबारा से बर्फ़ में चेंज कर सकते हो. तो ये सारी जो चीज़ें होती है, बलून होते हैं उसको पहले आपने बड़ा कर दिया, उसके बाद आप छोटा कर सकते हो, अगेन उसे कर सकते हो. तो वो ऐसे चेंज होते हैं आपके फिजिकल चेंज, जिसमें आप जबकि जो आपके कुछ सपोज करो कि आपने कोल लिया, उसे जला दिया, अब उसे क्या दोबारा वापस पा सकते हो कोल? नहीं. तो वो आपके होते हैं क्या, केमिकल चेंज. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल चेंज में. आपका कोई भी नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, उसी की सिर्फ आपका क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है. जबकि आपके केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और नॉर्मली उसमें से हीट, लाइट, साउंड कुछ ना कुछ जेनरेट होता है. एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फिजिकल चेंज में हो गया आपका आइस मेल्टिंग, जबकि केमिकल चेंज में हो गया आपका वुड बर्निंग. नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में. तो मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसी होती है, लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल आपका नॉन लस्टर्स होता है, और उसके बाद इसमें मैलिएबल डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, जबकि इसमें ऐसी कुछ नहीं होता. ये आपके हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि ये दोनों के बैड कंडक्टर होते हैं. एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन आपके नॉन मेटल के हो गए, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस. और हमारा लास्ट जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, ना मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं, उनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है. दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं. एग्जाम्पल आपका बोरोन और सिलिकन, एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे. तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स. अगर फर्स्ट चैप्टर को भी नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिए आने वाले टाइम पे. सारे के सारे चैप्टर्स मैं चैप्टर वाइज आपको डालती रहूँगी डेली डेली वीडियो, तो उन सारी वीडियोस को जल्दी जल्दी देखते जाइए और उस एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और जो भी आपके क्लास में नाइन्थ में है, आपके भाई बहन व्हाटएवर जो भी हो, उनके साथ शेयर कीजिए. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.